अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल। आज की दिन हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री में। क्लास टेंथ केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हमने दो वीडियोस अपलोड कर ली थी, सोप की और शुगर्स की। तो आज की दिन हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक के फ्लो चार्ट के बारे में, और ये जस्ट फ्लो चार्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फ्लो चार्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स का फ्लो चार्ट, सॉफ्ट ड्रिंक का फ्लो चार्ट समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए पहले हमें चाहिए होता है फ्रेश वाटर, बिल्कुल फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है ना, ये हमारे पास होना चाहिए। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम बॉईल कर लेते हैं। इसको बॉईल करते हैं, इसको और सॉफ्ट करते हैं वाटर सॉफ्टनर्स ऐड करके। अगर इसके अंदर कुछ खारापन होता है तो इसको खत्म करते हैं, और इसको पूरा फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सॉफ्ट वाटर करने के बाद, बिल्कुल मीठा पानी करने के बाद इसको बॉईल करते हैं। अब जब हम बॉईल कर लेते हैं तो बॉईल करने के बाद हम इसको कूल डाउन करते हैं, और हम इसका कूल डाउन करने का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिराते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिराने के बाद हम इसके कार्बोनेशन करते हैं। कार्बोनेशन करते हैं यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व करने के बाद हम इसको लेके चले आते हैं, हम इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड करते हैं, हम इसके अंदर सीरप यानी कि शुगर ऐड करते हैं, शुगर सोल्यूशन ऐड करते हैं। शुगर सोल्यूशन को हम आमतौर पर कहते हैं सीरप। हम इसके अंदर कलरिंग मटीरियल ऐड करते हैं, कलरिंग मटीरियल ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी पैकेजिंग करते हैं और बेच देते हैं। ये इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पर इस पूरे शुगर जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो पूरा बनाने का पूरा प्रोसीजर है, हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जरा देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर से रॉ वाटर यानी कि जो हमारे पास पानी है, रॉ वाटर ये सप्लाई किया जा रहा है। पहले फिल्टर में से पास होगा, ये फिल्टर में से रॉ वाटर पास होगा। फिल्टर के अंदर जो भी, क्या नाम है, इसके अंदर सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे इस पानी के अंदर, वो सारे सारे फिल्टर से रुक जाएंगे। फिर हम आगे लेके चलेंगे इसको एक कंटेनर के अंदर, जहाँ पे इस वाटर के अंदर सॉफ्टनर्स ऐड किए जाएंगे, वाटर सॉफ्टनर्स ऐड किए जाएंगे, इसके अंदर केमिकल्स ऐड किए जाएंगे। केमिकल्स जैसे कि आप ये समझ लें, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर लिया जाएगा, या इसके अंदर दूसरी चीजें ऐड की जाएंगी जिससे इसके अंदर पानी के अंदर अगर कुछ खारापन होगा तो खारापन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये वाटर सॉफ्टनर जो है ना, ये वाटर सॉफ्टनर क्या करेंगे, इस खारेपन को खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, इस पानी को बिल्कुल मीठा बना देंगे। इसके बाद हम इसको लेके चलेंगे एक पंप से। पंप के अंदर सारा पानी जो होगा वो आगे चले जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर्स में। इलेक्ट्रिक हीटर्स वाले चैम्बर के अंदर जाएगा तो ये सारा पानी बॉइल होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये सारा का सारा पानी बॉइल होगा, बॉइल होने के बाद इसकी जो इंप्योरिटीज होंगी वो खत्म हो जाएंगी। बॉइल करने के बाद हम इसको लेके चलेंगे कूलिंग पाइप के अंदर। कूलिंग पाइप के अंदर इस पानी को ठंडा किया जाएगा, इस पानी को ठंडा किया जाएगा, और इसका पानी का टेम्परेचर गिराया जाएगा। जितना टेम्परेचर गिरा सकते हो उतना टेम्परेचर गिराएंगे पानी का, और फिर पानी के अंदर ऐड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करेंगे, जितना कम टेम्परेचर होगा पानी का, यानी पानी जितना ठंडा होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करने के बाद हम इसको लेके चले जाएंगे मिक्सर के अंदर। ये मिक्सिंग टैंक कहलाता है, मिक्सर के अंदर लेके चलेंगे। मिक्सर के अंदर हम कलरिंग मटेरियल्स ऐड करेंगे, कलरिंग मटेरियल्स ऐड करेंगे यानी कि इसके अंदर हम, अगर लेट्स से पेप्सी है तो पेप्सी बनाने के लिए पेप्सी का कलर ऐड करेंगे, उसका कोक का कलर ऐड करेंगे, सही ना। इस तरह से मिरिंडा के लिए उसका कलर ऐड करेंगे, उसका सिरप, सिरप मतलब शुगर सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा, शुगर सॉल्यूशन ऐड किया जाएगा, और साथ साथ में फ्लेवर्स ऐड किए जाएंगे, यानी कि जो सीक्रेट रेसिपी है इनकी, सारी वो सारी रेसिपीज ऐड की जाती हैं। तो उसके बाद ये सारी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना ज्यादा डिजोल्व हो सकती है उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कर दिया जाएगा। फिर दोबारा इसको फिल्टर से पास किया जाएगा। जब फिल्टर से पास करेंगे तो फिल्टर से पास करने के बाद अगर इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो सारे के सारे फिल्टर में रुक जाएंगे, और फिर इस पूरी कोल्ड ड्रिंक को या सॉफ्ट ड्रिंक को लेके चले जाएगा बॉटल्स के अंदर। बॉटल्स के अंदर इसको पैक किया जाएगा, कैंस के अंदर पैक किया जाएगा, फिर इनको कार्टन के अंदर पैक किया जाएगा। इनकी पैकेजिंग होगी, और इनकी पैकेजिंग करने के बाद हम इसको सुपर मार्केट के अंदर या दुकानों पर बेच देंगे, जहाँ पे फ्रीजर्स के अंदर रख के इसको बेच दिया जाएगा। इस तरह से पूरी सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री काम करती है। स्टूडेंट, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल्स का। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसके बारे में बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये यहाँ पे मैंने कुछ 7 पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से मैं आपको समझा सकता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है।
सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भी मेडिसिन बना रही है उन मेडिसिन के थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर किसी की मान लें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर्स है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 60 ईयर्स हो जाएगी, 60 ईयर्स से बढ़ के 70 ईयर्स हो जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती है, हेल्दी लाइफ हो जाती है ट्रीटमेंट्स टाइमली कर करके, यानी कि मेडिकेशंस के थ्रू। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये अपनी कोशिशों में गामजन है कि किसी तरह से डिजीजेस को, जो बीमारियां हैं, बीमारियों को एलिमिनेट कर दे, इरेडिकेट कर दे, खत्म कर दे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ दे। ठीक है, जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये ऐसी मेडिसिन बनाती है जो कि क्रोनिक पेन, यानी कि मुसलसल पेन जिसको है ना, उसका मुसलसल पेन खत्म कर सके, और उसको जो सफरिंग हो रही है उसकी वजह से, जो जिन मुश्किलों से गुजर रहा है उस मुसलसल पेन की वजह से, तो वो पेन किलर्स के थ्रू उस मुसलसल पेन से निजात हासिल कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो वैक्सीन बना रही हैं, वैक्सीन जो है वो लॉन्ग टर्म में पैसा सेव करके देती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से हमें बचाती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की वजह से जो मेडिकेशन हमें मिलती हैं, जो मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं, वो हमारा हॉस्पिटल का स्टे शॉर्टर कर देती हैं, यानी कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, अपने आप को क्या नाम है, अपनी ये बोल सकते हैं हेल्दी लाइफ को वापसी रीगेन करने के लिए, वापसी रीगेन करने के लिए, वापसी हासिल करने के लिए हमें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होना पड़ता, तो हॉस्पिटल स्टेज शॉर्टर हो जाता है। इससे एक कंज्यूमर के ऊपर या पेशेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फायदा होता है कि उसका उसके फाइनेंशियली उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, उतना ज्यादा बर्डनाइज नहीं होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट पे। जो इंडस्ट्री है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को ये एम्प्लॉय कर रही है, यानी कि लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। सेवेंथ पॉइंट है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करती है, यानी कि GDP बढ़ाती है हर कंट्री का। पाकिस्तान भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान का GDP इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। स्टूडेंट, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।